नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मौसूल को आईएस के कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू। मौसूल पर हमले के लिए ईरानी सेना को मिलेगा ऑस्ट्रेलियाई सैन्य टुकड़ी का साथ। टुकड़ी में फाइटर जेट के अलावा स्पेशल फोर्स के 80 जवान शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को नहीं मिला रूस का समर्थन। चीन की राह पर चल रहा है रूस। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर साधी चुप्पी। पाकिस्तान ने भारत पर फिर लगाया आरोप, अशांति के लिए भारत को बताया खलनायक। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, पाकिस्तान को अस्थिर करने में जुटा हुआ है भारत। म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य के सीमावर्ती इलाके में सेना पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। 2 महिलाओं सहित 30 हमलावरों को किया ढेर। 12 लोगों को किया गिरफ्तार। जर्मनी की रासायनिक कंपनी बास्फ के कारखाने में विस्फोट। 1 व्यक्ति की मौत, 4 से ज्यादा घायल। विस्फोट की जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।